जो भी बच्चे हैं मैथ के क्लास 12th के वे ऑनलाइन आ जाएं, क्योंकि आपका क्लास अब चालू किया जा रहा है। जो भी क्लास 12th के बच्चे हैं वो जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आ जाएं, क्योंकि आपका क्लास अब चालू किया जा रहा है। जितने भी बच्चे हैं गुड इवनिंग, जितने भी बच्चे हैं वे सभी ऑनलाइन आ जाएंगे, क्योंकि आपका क्लास अब चालू किया जा रहा है। तो जितने भी बच्चे हैं एक बार ग्रुप में शेयर भी कर दें, और जो अभी तक नहीं जुड़े हैं उनको कह दें जुड़ने के लिए। थोड़ा सा नवरात्रि का समय चल रहा है और बगल में बाजा बज रहा है, जिस वजह से परेशानी हो सकती है, लेकिन मैनेज कीजिएगा आप लोग, मैनेज करेंगे आप लोग। चलिए सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए। जितने भी बच्चे हैं सभी को कह दें कि जुड़ जाएं। और हम लोग आज जो देखने वाले हैं योग के सीमा के रूप में समाकलन, जो कि आपके एग्ज़ाम में यदि पूछा जाता है तो सीधा 5 नंबर में ही पूछा जाएगा, और नहीं तो कोई बात ही नहीं है, और पूछा जाएगा तो 5 नंबर में ही पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। योग के सीमा के रूप में हम लोग समाकलन देखने वाले हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज को हम लोग जानेंगे। उससे पहले आप लोग एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं, अच्छे से लिंक को शेयर कर दें, लिंक को शेयर कर दिया जाए। जितने भी बच्चे हैं वो सभी बच्चे लिंक को शेयर कर देंगे, आप ग्रुप में आ जाएं। गुड इवनिंग, हेलो सर, हेलो। चलिए तो हम लोग जो देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को देखने वाले हैं, जैसा कि आप लोग को पता है हम लोग क्या देखने वाले हैं। सो काम का चीज है आपका, आप जो देखने वाले हैं यहाँ देख सकते हैं, या आप देखने वाले हैं क्या, आप जो देखने वाले हैं क्लास 12th का मैथ देखेंगे, और इंटीग्रेशन में ही आप देखेंगे योग के सीमा के रूप में समाकलन देखेंगे। मतलब कि इंटीग्रेशन करने तो आता है, लेकिन योग के सीमा के रूप में समाकलन कैसे होता है उसको देखेंगे। इसका आज 6 नंबर भाग होगा, और यह आपके एग्जामों में पूछता है तो सीधा 5 नंबर में ही पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। बिहार बोर्ड 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आप लोग एक बार लिंक को शेयर करते हुए ग्रुप में आ जाएं और अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को, एकदम अच्छे से चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे हम लोग कि किस प्रकार से इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो हम लोग एकदम अच्छे से देखेंगे। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं। आगे चलते हैं उससे पहले कि योगफल के सीमा के रूप में समाकलन करना होगा तो कैसे लिखते हैं, सो उसको पहले आप लोग देखने का प्रयास करेंगे एक बार। जब भी हमारे पास कोई इंटीग्रेशन दिया गया होगा, बात को समझने का प्रयास करेंगे, कोई इंटीग्रेशन आपके पास दे दिया गया है, ए से बी, सही है, ए से बी दे दिया गया है,
और कोई फंक्शन दे दिया गया है एफएक्स, कोई फंक्शन दे दिया गया है एफएक्स, तो बच्चा जब इसको योगफल के रूप में, सीमा के योगफल के रूप में बनाया जाता है तो कैसे बनाते हैं उसको समझिए, समझे पहले इसको लिखते कैसे हैं। लिखते इसको है लिमिट एच टेंडिंग जीरो, एच टेंडिंग जीरो और एच लिखते हैं और हम लोग क्या करते हैं तो देखिएगा एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच, घबराइएगा मत, बस फार्मूला जितना भारी देखने में लगता है उतना भारी है नहीं, एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस दो एच प्लस एफ ए प्लस थ्री एच, ऐसे ही करते 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 हमको जाना है एफ ए प्लस एन माइनस वन इन टू एच तक, बस यही फार्मूला है, यही फार्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ भारी फार्मूला है नहीं, बस आपको ध्यान देना है कि शुरू में ए लिखना है, उसके बाद ए में एच जोड़ देना है, फिर ए में या ए प्लस एच में फिर एच जोड़ देना है, ए प्लस एच में फिर एच जोड़ देना है तो ए प्लस दो एच आएगा, फिर ए प्लस दो एच में फिर एच जोड़ देना है तो थ्री एच आएगा और अंत में ए प्लस एन माइनस वन इन टू एच कर देना है। अब देखेंगे, अब आगे आ जाएंगे भाई, अब आगे जब आएंगे तो यहाँ से आपका एन एच का मान निकलता है बुआ, इस बात को ध्यान रखना, किसका मान निकालेंगे हम लोग, एन एच का मान निकालेंगे भाई। एन एच का मान कैसे निकलता है सो देखिएगा, यह जो लिमिट देख रहे हैं इसी से निकलता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से क्या निकल जाता है आपका एन एच का मान निकलता है। बस सवाल बनाने का प्रोसेस है, प्रोसेस को समझ लीजिए, सवाल आपके आप अपने आप गर्दा उड़ जाएगा, बस आप प्रोसेस को देखिए, प्रत्येक सवाल को हम बना देंगे। चलिए आप लोग पढ़े, कमेंट के ऊपर नहीं जाएं, आप लोग अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, नहीं पढ़िएगा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यह सवाल आप लोग को यह चीज़ ऑफलाइन में पढ़ाया गया है, फिर भी हम लोग ऑनलाइन में लाए हैं कि जो बच्चे नहीं समझे होंगे वहाँ यहाँ समझने का प्रयास करेंगे और बिंदास समझने का प्रयास भी कीजिए आप लोग। तो यह आपके पास जो एक एफ एक्स एक फंक्शन है, उस फंक्शन को इतना बड़ा चौड़ा आपको फार्मूला बनाना पड़ेगा और एन एच का मान निकालना पड़ेगा। एन एच का मान कैसे निकलेगा, तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दीजिएगा बच्चा, सही है। अब देखो एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, एक चीज़ और हम लोग आपको बताने का प्रयास करते हैं, उसको देखिएगा भाई। चलिए जब भी इतना चीज़ आएगा तो आपके पास एक दो चीज़ आएगी भाई, एक दो चीज़ आएगी, वह क्या आ सकता है सो देखो, एक चीज़ आ सकता है आपका वन प्लस दो प्लस तीन प्लस चार, ऐसे करते करते तक आपको n पदों तक का योग आ सकता है, सही है, यह आ सकता है, हम जानते हैं कि यह चीज़ आ सकता है इसको बनाने क्रम में, इसलिए इसको भी आपको इसके साथ साथ ध्यान रखना पड़ेगा बच्चा। इतना ध्यान रखते हैं आप एकदम गर्दा छोड़ा दीजिएगा, सभी को बोल दीजिए जुड़ जाने के लिए, आप लोग नहीं जुड़ते हैं, मज़ा वैसे आता नहीं है पढ़ाने में, ठीक है, वैसे कोई बात नहीं है, लोग वीडियो बना करके भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, सही है, आप लोग के लिए मेहनत किया जाए लेकिन आप लोग किसी काम के हैं नहीं, खैर कोई बात नहीं। अब देखो वन प्लस दो मतलब लगातार प्राकृतिक संख्या का जो योग होता है वह होता है क्या बच्चा, याद रखेंगे एन इंटू एन प्लस वन बाई दो, यह फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान रखना है क्योंकि यह अभी अभी आपको काम आने वाला है, सही है। एन इंटू एन प्लस वन बाई दो मतलब एन जितना है उतना लिखो, एक ज़्यादा करो फिर दो से भाग लगा दो, सही है, बस आपको ध्यान रखना है चीज़, ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ कहानी है नहीं। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जब आएगा भाई मेरे, उसको क्या लिखोगे तो देख लो, इसको लिखने का प्रोसेस क्या है भाई, तो n इंटू एन प्लस वन इंटू दू एन प्लस वन बाई सिक्स, सही है, इसको ध्यान रखेंगे, सही है कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग लिखना होगा, तो क्या करोगे कि n इंटू एन प्लस वन एन प्लस वन इंटू एन दू एन प्लस वन बाई सिक्स, यह होता है, सही ना। अब देखो एक चीज़ और आप लोग ध्यान कर सकते हैं, इस n प्राकृतिक संख्याओं के घन 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 का योग, यानी कि एक क्यू प्लस दो क्यू प्लस तीन क्यू प्लस चार क्यू प्लस, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा भाई मेरे, एन क्यू तक जाएगा, एन क्यू तक जाएगा, तो इसका फार्मूला क्या बन के तैयार होगा,
एन इंटू एन प्लस वन बाई टू जो आप देख रहे थे इसका बस वही फार्मूला रहेगा, बस बशर्ते इसमें क्या लग जाएगा होल स्क्वायर लग जाएगा। यह तीन चीज को आपको ध्यान रखेंगे तो आपका सवाल बनना चालू हो जाएगा। हम सवाल और ही आसान लगे इसलिए थोड़ा सा इस तीनों फार्मूला के ऊपर और काम करेंगे, अभी और काम करेंगे। पहले इतना तक में क्लियर है, इतना तक में क्लियर है तो आप लोग यस यस बोले और हम लोग बस इसमें थोड़ा सा और काम करेंगे। इतना तक क्लियर है क्या भाई? आवाज़ जा रहा है सही ना? आवाज़ जा रहा है क्या? इसे तो बाजा का भी आवाज़ जा रहा होगा। चलो आपको थोड़ा सा, हाँ सही, आपको थोड़ा सा और आसान बनाते हैं। चलो आपको थोड़ा सा, हाँ हमको जोर से बोलना पड़ रहा है यहाँ पे, हम ही को पता है। हम आपको थोड़ा सा और आसान बनाते हैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। बच्चे मेरे यहाँ ध्यान दीजिएगा, बस ध्यान दी, देखो सवाल ज़्यादा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, सवाल बनाने के लिए हम पूरा बना ले सवाल, लेकिन आपको समझ पाना बहुत जरूरी है। यदि समझ नहीं पाइएगा एक ही सवाल बनाइए, लेकिन समझ के बनाइए, क्योंकि जब आप अगला सवाल बनाइएगा ना बस गर्दा छोड़ा दीजिएगा, लेकिन समझा हुआ चीज़ ही नहीं रहेगा, क्या आप गर्दा उड़ाइएगा? कुछ गर्दा नहीं उड़ा पाइएगा। तो गर्दा उड़ाना तो सवाल को समझो, हम क्या कह रहे हैं समझिएगा इस सवाल में। यदि आपको और आसान बनाना है तो, नहीं बनाना है तो बस फार्मूला ध्यान में रखो, बन जाएगा। अब एक चीज़ देखना, यहाँ पे आपके पास वन से लेकर के वन टू थ्री फोर ऐसे करते करते एन प्राकृत संख्या है, लेकिन हमको जहाँ तक पता है कि यदि आप सवाल बनाने जाइएगा तो इस एन के जगह पर भाई मेरे एन माइनस वन आएगा। बात को समझो क्या बोल रहे हैं हम लोग, यह जो एन स्क्वायर देख रहे हैं इसके जगह पर एन माइनस वन का स्क्वायर आएगा, समझिए भाई मेरे, यह जो एन क्यू देख रहे हैं इसके जगह पर एन माइनस वन का क्यू आएगा। सही है क्या? क्या आने वाला जो आपको पता चला, आपको आने वाला क्या है जो पता चल चुका है कि क्या आने वाला है, n के जगह पर n माइनस वन आएगा, n स्क्वायर के जगह पर n माइनस वन का स्क्वायर आएगा, n क्यू के जगह पर n माइनस वन का क्यू आएगा। चलो अभी तक जो हम फार्मूला जान रहे हैं वह n तक का योगफल जान रहे हैं भाई मेरे, जब यह जान रहे हो ना तो बस हो गया, n माइनस वन रहेगा ना, आप कुछ मत कीजिए भाई, आप कुछ मत कीजिए, जहाँ जहाँ प्लस देख रहे हैं सब जगह माइनस बना दीजिए, गर्दा छोड़ा दीजिए, सब जगह माइनस बना दीजिए, गर्दा छोड़ा दीजिए। देखिए एन इंटू एन माइनस वन बाई दो, फिर इसके जगह पर क्या होगा, एन इंटू एन माइनस वन इंटू टू एन माइनस वन बाई सिक्स, फिर इसके जगह पर क्या हो जाएगा, एन इंटू एन माइनस वन बाई दो का होल स्क्वायर। भाई यह तभी कीजिएगा जब n के जगह पर n माइनस वन होगा, n के जगह पर n माइनस वन का स्क्वायर होगा और n क्यू के जगह पर n माइनस वन का क्यू होगा, तो आप इतना यूज कर सकते हैं आसान बनाना है तो। क्या इस बात, यह बात क्लियर हुई क्या आपको, क्या यह बात क्लियर हुई तो बताइए आप पढ़ लेंगे, क्या इतना बात क्लियर हुआ कि मैंने क्या बोला, n के जगह पर n माइनस वन होगा, जो आप फार्मूला जानते हैं जो प्लस था उसको माइनस बना दिया, n स्क्वायर के जगह पर n माइनस वन का जो स्क्वायर था मैंने क्या बना दिया, बस यहाँ पर माइनस किया, यहाँ पे माइनस किया, फार्मूला वही रहने दिया, सही है। n क्यू के जगह पर n माइनस वन का क्यू था, मैंने बस इसके जगह पे माइनस किया, बाकी सब वैसे ही रहने दिया, मैं ज़्यादा चेंज नहीं किया भाई, सही ना, हम ज़्यादा चेंज नहीं किए, हम ज़्यादा चेंज किए क्या, कुछ नहीं किए। आपको ध्यान रखना है, बेसिक चीज़ है यह बेसिक चीज़ है जिसको आपको क्या रखना है भाई मेरे, ध्यान रखना है, पता होना चाहिए कब इतना का, वह कब लिखेंगे, जब n के जगह पर n माइनस वन होगा, n स्क्वायर के जगह पर n माइनस वन का स्क्वायर होगा और n क्यू के जगह पर n माइनस वन का क्यू होगा, तो इतना लिखेंगे, सही है। इतना ध्यान हो गया तो सवाल आप सीधे उड़ा दीजिएगा, लेकिन हाँ बार बार बोल रहे हैं इसको आपको बनाने के लिए पूरे को अच्छे से समझना पड़ेगा, बस एक सवाल को अच्छा से समझे सवाल, उसके बाद गर्दा छोड़ा दीजिएगा, और नहीं समझ पाइएगा तो परेशानी हो जाएगी। चलिए हम लोग कुछ सवाल को ही देख लेते हैं कि कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं।
अब बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि कितना महत्वपूर्ण है सवाल, उसको आपको देखना बहुत ही जरूरी है। चलो एक सवाल लेते हैं, एक सवाल लेते हैं, एकदम शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, सही ना, शुरुआत कर रहे हैं, समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है आपका इंटीग्रेशन 0 से 2 x स्क्वायर प्लस वन। क्या है सवाल आपका भाई, कि सवाल है 0 से 2 x स्क्वायर प्लस 1। यह सवाल है, कैसे सवाल को सॉल्व करना है, कैसे सवाल को सॉल्व करना है, योगफल के सीमा के रूप में। बात को यहाँ समझो, कहीं इधर उधर भागेगा नहीं, हम दो सवाल बताएंगे, एकदम बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा। आप देखो इस जगह पर आप ए बी और एन एच का मान निकालिएगा, तीन को मान निकालिएगा। सबसे पहला बात, ए आपका लोअर लिमिट होता है, बात को याद रखेंगे, लोअर लिमिट। बी आपका अपर लिमिट होता है, इसको भी याद रखेंगे, सही है। एन एच जो होता है भाई मेरे, एन एच वह अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करके बनाया जाता है, सही है। एन एच आ गया आपका 2, एन एच कितना आ गया भाई मेरे, एन एच आ गया आपका 2, क्लियर। चलिए अब आपके पास जो फंक्शन दिया गया उसको लिखो, यहाँ पे dx होगा। फंक्शन आपके पास यह है x स्क्वायर प्लस का 1। फंक्शन आपके पास क्या है बच्चा, x स्क्वायर प्लस का 1, उसको लिख लो fx बराबर x स्क्वायर प्लस 1, सही है। फार्मूला में जब हम लोग चेक कर रहे थे, फार्मूला देखेंगे एक बार बुआ, फार्मूला देखो एक बार, कि आपको निकालना एफ ए, मतलब एफ एक्स जो था ना, तो एफ ए निकालना है, मतलब एक्स के जगह पर ए देना है, बस बस क्या करना है भैया, एक्स के जगह पर ए देना है। बात को समझ लीजिए, सवाल क्लियर हो जाएगा। तो जो एक्स है आपको निकालना है एफ ए, मतलब हम इधर क्या किए, एक्स के जगह पर ए लिखे ना, तो एक्स के जगह पर आप ए लिखो। देखो एक्स आ गया तो एक्स तो ए लिखना होगा, स्क्वायर है प्लस वन, बस हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब अगला क्या है वह देखो, अगला क्या है आपका निकालना, यह निकाल लीजिए। अब क्या निकालना है, एफ ए प्लस एक्स, यानी कि अब एक्स के जगह पर ए प्लस एच रखो। चलो हम रखना प्रारंभ करते हैं, एक्स के जगह पर क्या रखना है, अब एक्स के जगह पर बच्चा रखना है आपको ए प्लस एच, एग्जाम में आया तो पाँच, इसलिए अच्छे से समझिए यहाँ पे। अब एक्स के जगह पर रखना है ए प्लस एच, देखना एक्स यही ना है, इसके जगह पर रखना है ए प्लस एच का होल स्क्वायर, कहाँ से दिया स्क्वायर पता होना चाहिए आपको, होल स्क्वायर, अब प्लस का होल स्क्वायर और फिर प्लस फिर वन, सही है, कोई दिक्कत इसमें। आप चाहें तो इस चीज़ को यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम वहाँ सॉल्व करेंगे सवाल में, सही है। चलो अब फिर चेक करो, आप चेक करेंगे कि अब क्या निकालना है, तो एफ ए प्लस 2h निकालना है भाई, a प्लस 2h निकालना है। चलो इसको हम लोग निकाल लेते हैं, क्या निकालना है भाई मेरे, f a प्लस 2h निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखो, a प्लस 2h रखो। चलो x आ गया x नज़र, तो a प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस क्या चीज़ 1, तीन ही निकालना, अगला निकालने की जरूरत नहीं है, उसके बाद सीधे अंत वाला निकाल लेना, या नहीं निकालते हैं सीधे हम लोग क्या निकालेंगे, अंत वाला निकालेंगे, क्या निकालेंगे, f a प्लस n माइनस 1 h, सही है, यही निकालेंगे, अंत वाला निकालेंगे भाई मेरे, समझिए क्या कुछ क्या बोल रही है आप लोग, सर साफ से नहीं दिख रहा है, क्लीन कीजिए ना सर, इतना साफ तो दिख रहा है, हो इसे कहते हैं कि नहीं दिख रहा, पता नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा देखो आपके पास, चलो आ जाइए आगे। अब क्या निकालना था बच्चा उसको देखेंगे, सीखना बहुत जरूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, एग्जाम में आया तो सीधा 5 और बहुत ही आसान सवाल लगता है हमको। क्या निकालना है, एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच निकालना है, सही बच्चा, ये निकालना है।
यही निकालना है। तो अब x की जगह पर यह रखना है, x की जगह पर क्या रखना है, x की जगह पर यह रखना है, तो क्या हो जाएगा चेक करो तो x यही ना है, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू एच का होल स्क्वायर और प्लस का वन, या आ गया, या आ गया। यह आपका आ गया। अब देखो, अब यहां से अब सवाल की ओर चलते हैं। इतना आपको निकालना पड़ेगा प्रत्येक, जैसे ही योगफल के सीमा के रूप में दिया इतना निकाल लीजिएगा, सही है। इतना निकालने के बाद जो सवाल है उसको जो फॉर्मूला जानते हैं सो लिख दीजिएगा, यानी कि इसको कैसे लिखेंगे, यहां देखो, यहां देखो, मत बनाओ, मत बनाओ, जीरो से दो, सही है, एक्स स्क्वायर प्लस वन और क्या बच्चा वी एक्स बराबर, क्या लिख सकते हैं उसको देखो, यानी कि फॉर्मूला लिख दो बस, क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंडिंग कितना जीरो एच, और क्या लिख सकते हैं भाई मेरे, एफ ए प्लस कितना एफ ए प्लस एच, फिर प्लस कितना बउआ ए प्लस एफ ए प्लस दू एच, फिर प्लस ऐसे करते करते कहाँ तक जाइएगा भाई मेरे, एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, यहाँ तक जाएंगे ना, यहाँ तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बस मैंने क्या किया जो फॉर्मूला होता है सो लिख दिया। अब देखो, अब अगला काम क्या कीजिए, एकदम समझिए, एकदम समझिए, बराबर के नीचे बराबर देना, लिमिट के जगह पर लिमिटे देना, एच टेंडिंग जीरो है और आपके पास एच है। अब देखो क्या करते हैं, एफ ए जो दिखाई दे रहा है उसके जगह पर आपने कुछ मान निकाला ए स्क्वायर प्लस वन, बस उसी को लिख दो, ए स्क्वायर प्लस वन, बस समझिए, एक ही सवाल काफ़ी है बच्चे मेरे, एक ही सवाल काफ़ी है, लेकिन ध्यान देना यहीं पे, पूरा पूरा ध्यान यहीं देना। फिर प्लस एफ ए प्लस एच निकाले होंगे, देखो ए प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस वन, बस इसी को लिखो, क्या लिखेंगे, ए प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, फिर आगे बढ़ो, फिर प्लस इसका भी वैल्यू निकाले होंगे कुछ ना कुछ, चेक करो यहाँ से, यहाँ से चेक करो कितना है, तो a प्लस दू एच का होल स्क्वायर प्लस का वन, यही आया होगा, देखो जो आया है वही लिख रहे हैं हम लोग। फिर प्लस दो दो दे दो कहाँ तक, अब इसका वैल्यू आया होगा कुछ ना कुछ, वहाँ चेक करो तो क्या आया है, a प्लस एन माइनस वन इंटू एच का होल स्क्वायर प्लस का वन, क्या इतना आया सबको समझ में, क्या इतना आया समझ में, तो पहले आप हमको बताइए, हम एकदम बारीकी से चलेंगे, हिसाब से चलेंगे, क्योंकि दो ही सवाल में आपको समझ जाना है, बस इधर से उधर भागिएगा मत, बार बार कहा जा रहा है कि इधर से उधर भागिएगा मत, क्या इतना समझ में आ गया आपको, तो आप हमें बताएं, इतना में किसी को दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, यदि हो रहा है तो बउआ हो रहा है दिक्कत तो मैथ समझ पाना मुश्किल होगा, सही है, और हम चाहते हैं कि आपको समझने में परेशानी ना हो, भागने से काम नहीं चलेगा, बार बार कहते हैं कि आप आते हैं लाइव और दो चार बच्चे बच जाते हैं, भाग जाते हैं, कोई बात नहीं है, किसको धोखा दे रहे हो सो बताइए, हमको नहीं ना दे रहे हो धोखा, हो आप अपने को दे रहे हो, नहीं आप अपने गार्जियन को दे रहे हो, अपने को दे रहे हो धोखा, कोई बात नहीं है, हम इस नवरात्रि में भी सहे हुए हैं, फिर भी क्लास कराते हैं, फिर भी क्लास करा रहे हैं, बगल में बाजा बज रहा है, जोर जोर से बोलना पड़ता है, फिर भी क्लास करा रहे हैं, आप लोग ऐस कर रहे हैं, मतलब मेला घूम रहे हैं क्या, हाँ अच्छी बात है, घूम लीजिए, कोई बात नहीं, वो सब होना भी चाहिए भाई, वो सब होना भी चाहिए, क्योंकि फिर मेला दोबारा तो आता नहीं है क्या, मेला दोबारा फिर आता नहीं है। अब देखो, इतना जब हो जाए बच्चा मेरे, छोड़ दो कमेंट को, छोड़ दो, अब यहाँ समझो, जब इतना हो जाए तो आप इसको सॉल्व करना सोचिएगा, सॉल्व करने में किसी प्रकार का दिक्कत होगा, इसको एकदम आप रफ में बिंदास हो करके सॉल्व करें, क्योंकि यह मेरा पाँच नंबर है भाई, क्यों इसको हम गलत करेंगे, अच्छे से बनाएंगे ना, क्योंकि पाँच नंबर ऐसे ही थोड़ी चलाता है, ऐसे ही पाँच नंबर नहीं ना आएगा, सॉल्व इसको बहुत ही अच्छे से करेंगे, सॉल्व इसको बहुत ही अच्छे से करेंगे, कैसे करेंगे सॉल्व हुआ उसको देखो, चलो देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा इधर से लिखते हैं, सही है, इसको रहने देते हैं, लिमिट एच टेंडिंग कितना जीरो और एच, देखिएगा हम जो सॉल्व कर रहे थे
इसको तो कुछ कर नहीं सकते हैं, इसको रहने दो। ए स्क्वायर प्लस वन को मैंने क्या किया, रहने दिया, सही है। बोलिएगा नहीं दिखाई देगा तो इसे बड़ा कर देंगे। फिर प्लस है तो प्लस, अब देखो इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर खोल देना है, बस ध्यान से सुनो, यहाँ पे कुछ इधर उधर मत भागना, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर खोल देना। तो क्या हो जाएगा बता, ए स्क्वायर प्लस दू ए बी प्लस दू ए बी और प्लस बी स्क्वायर, इतना होगा ना, हो इतना होगा। चलिए आगे आ जाइए, प्लस वन है तो प्लस वन, सही है। फिर प्लस है, फिर प्लस है ना, हाथ रख रख के आगे चलो। फिर इसको भी ए, इसको भी ए और इसको बी मानते हुए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर खोलिए। तो इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस दू ए बी प्लस दू ए बी। अब कहिएगा कि सर जी बोलते हैं दू ए बी, लिखते चार ए बी, ठीक है भाई, आप इसको खोलिए ना, देखो कैसे होगा। दू ए एक जगह पर ए, अब बी, बी के जगह पर दू एच है ना, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, फोर ए एच नहीं होगा, फोर एच लिखे हैं। अब साइंस पढ़ रहे हैं भाई ना, क्या साइंस पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, आर्ट्स पढ़ रहे हैं कि हम लोग पूरा एकदम उसको लेके चले। ओ चलिए ए स्क्वायर प्लस दू ए बी प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, मतलब दू दू एच का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फोर एच स्क्वायर, सही है बच्चा। फिर प्लस, फिर प्लस वन, फिर प्लस, देखिए सही है। अब आ जाइए इसको खोलने का प्रयास कीजिए, कितना बच्चा इसी को खोलने में परेशान हो जाता है। चलो परेशान मत होना है भाई, परेशान मत होना है, परेशानी हो रहा है रफ में आओ, परेशानी हुआ कि रफ में जाओ तब उसको खोलो। इसको ए मानना, देखो इसको ए मानना है, यह पूरा आपके पास है बी है, बस हो गया हो गया। ए स्क्वायर क्या होगा, फॉर्मूला बताओ, ए स्क्वायर प्लस दू ए बी, बस रफ में लिखो दू ए अब बी, रफ में लिखो उसके बाद निकालो, क्या हो जाएगा, दू ए एच एन माइनस वन, दू ए बी, अब प्लस क्या चीज, बी स्क्वायर, देखना भाई बी स्क्वायर, मान लो कि थ्री एक्स का स्क्वायर होगा, इसका क्या मतलब, तीन पर भी स्क्वायर, एक्स पर भी स्क्वायर, यही ना। अब यहाँ पे वही चीज है भाई मेरे, बी स्क्वायर मतलब एन माइनस वन इंटू एच का स्क्वायर, मतलब क्या चीज, मतलब क्या भैया मेरे, एन माइनस वन पर भी स्क्वायर और एच पर भी स्क्वायर, मतलब यह, मतलब यह, तो इसका मतलब क्या होगा भाई बता दे, एन माइनस वन का स्क्वायर और क्या भैया, एच स्क्वायर और क्या, तो प्लस वन, इतना हुआ, इतना हुआ। बताइए क्या इतना में किसी को दिक्कत है तो बताइए, जल्दी से बताइए, इतना में किसी को दिक्कत है तो बताइए, इतना में किसी को दिक्कत है तो बताइए, क्या इसको खोलने आ गया, क्योंकि प्रत्येक सवाल में आने वाला हुआ, जहां पर भी फंक्शन में एक्स स्क्वायर आया कितना करना पड़ेगा आपको। हाँ फिजिक्स का भी क्लास ऑनलाइन होगा, आपको हम यह बता दें कि कल जो है शाम में ऑनलाइन नहीं होगा, वीडियो अपलोड किया जाएगा, वीडियो जो है उसका बनेगा और फर्स्ट चैप्टर जो है उसका पूरा पूरा वीडियो आपका कल बनने वाला है, कल बन जाएगा, कल शाम तक जो है उसको अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए इतना किसी को दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे एकदम बारीकी से समझिए, दो ही सवाल में गर्दा छुड़ा दीजिए, दो ही सवाल काफ़ी है आपके लिए भाई, दो ही सवाल आपके लिए काफ़ी है। चलो देखो आगे, चलिए दो ही सवाल आपके लिए काफ़ी है बच्चे, आ जाइए यहाँ आ जाइए। अब क्या है आपके पास, तो देखो एकदम समझिए, यहाँ पे क्या है, लिमिट एच टेंडिंग जीरो एच। अब यहाँ ध्यान से देना, ध्यान देना भैया, भागो मत, भागो मत, कलम मत चलाओ, कलम मत चलाओ, ध्यान देना। अब जो आपको सेम जात ब्यादर का लगता है उसको एक एक जगह रखो, उसको मतलब एक जगह रखने का प्रयास करो, उसको एक जगह रखने का प्रयास करो, जो आपको सेम जात का लगे, सेम प्रकार का लगे, सेम चीज का लगे, उसको एक जगह करने का प्रयास करो, बस 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 बस, समझाइए जानते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो यह ए स्क्वायर, यह ए स्क्वायर, यह ए स्क्वायर, यह ए स्क्वायर, यह सब चीज आपका बार 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 आ रहा है, और कितना बार आएगा, तो एन बार आएगा, कितना बार आएगा, एन बार आएगा,
अब हम आपको कहेंगे वह तीन गुने तीन प्लस तीन, ऐसे तीन प्लस तीन प्लस तीन प्लस तीन जोड़ के बताइए कितना होगा। तो बहुत बच्चा तेज होगा, कहेगा सर जी एक गो तीन लिख दिया, कै गो तीन है, तो एक दो तीन चार, तो इतना से गुना कर दिया वही आंसर होते। और आप जोड़बो कीजिएगा तीन आ तीन छः, तीन नौ, नौ तीन बारह, वही आएगा। तो इसका एक स्टैंडर्ड दिमाग चला भाई कि एक गो तीन लिख दीजिए, और कई बार जोड़ा गया है चार बार चार से गुना कर दीजिए। तो हम कह रहे हैं ए स्क्वायर को कितना बार जोड़ा गया है, तो एन बार। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को क्या चीज से गुना कर देंगे बच्चा, एन से गुना कर देंगे, एन से। तो हम क्या करेंगे इस जगह पर ए स्क्वायर और क्या लिखेंगे, एन लिख देंगे, ए स्क्वायर एन लिख देंगे। क्या लिख दिए, ए स्क्वायर एन। कैसे आया समझ में आया ना, बस इसको समझे, आज समझ गया कल से गर्दा छोड़ा दीजिएगा, सवाल कल से गर्दा छोड़ा दीजिएगा। ए स्क्वायर एन लिखिए फिर प्लस, अब देखो ए स्क्वायर वाला का काम हो चुका है, बस मन में देखते चलो और क्या बच रहा है। तो हम देख रहे हैं वन, ओ देखा देखे देखवा तब मजा आता है, देखा हो। अब ए स्क्वायर वाला का काम हो गया, चलो इसका काम हो चुका है, लाल वाला जिस पर लगा दिए उसका काम हो चुका है, लाल वाला का कोई काम नहीं है, सही है बच्चा। चलो लाल सब पे लगा देंगे जिसका जिसका काम हो जाएगा। अब एक है, एक आया, एक देखो तो कैसन बार है, एक आया, हो हो फेनू एक आया, फेनू एक आया, मतलब कि अंतो में एक हुआ, हो अंतो में एक हुआ, हे भगवान, सब जगह एच वन है। तो वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन कितना बार आया होगा, वन हो तो एन बार आया होगा। तो वन का गुना कई बार, एन बार, क्या आंसर, एन, यानी कि वन वाला का आंसर क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। बात को समझिए तब ये बात बनेगी, अन्यथा तो ना बनेगी। हर एक एक को पकड़ते चलिए किसका किसका काम हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है सो। तो वन गुने एन लिख दिया, चलिए, यानी कि इसको लाल वाला इसका भी काम हो चुका है, जो जो लाल से हो गया उसका काम हो चुका है, उसको उससे हमको मतलब अब नहीं है। आगे आइए, आगे अब देखेंगे बउआ, आगे देखेंगे अब किसका काम करें, अब इसका इसका तो हो गया, अब दो ए एच, तो ए एच वाला खोजो, ए एच वाला, ए एच, ओ हाँ ए एच, ओए होए होए ए एच, देख रहे हैं ना, ए एच वाला मिला अब, और सभ्य में दो ए एच, दो ए एच, दो एच सभ्य में है, तो हमारा तो फायदा हो गया, प्लस दो ए एच का कॉमन ले लेंगे, सही है। इस भैया में क्या बचेगा, वन, फिर आगे देखो इसमें क्या बचेगा, प्लस का दो, फिर प्लस, आगे पक्का फाइनल इसमें प्लस का तीन बचेगा, प्लस, ऐसे करते करते तो देखो तो यहाँ से यह निकल गया, क्या बचेगा इसमें, एन माइनस वन बचेगा, इतना बचा कि नहीं बचा हो, चलिए इतना क्लियर हुआ बात, हमारी बात को समझने का प्रयास कीजिए, सवाल तो अपने आप बनेगा, सवाल रोक आएगा आपके पास। तो इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, क्या अब देखो तो और कुछ बच गया, हाँ हो एच स्क्वायर वाला बचल है, तो एच स्क्वायर का एक अलग ग्रुप बना दो, चलो बनाते हैं एच स्क्वायर का ग्रुप, देखो एच स्क्वायर, ओहो फोर एच स्क्वायर, तो पक्का आगे नौ नौ एच स्क्वायर आएगा पक्का, और यहूँ पे एगो या है यहूँ पे, तो चलो एच स्क्वायर एच स्क्वायर एच स्क्वायर कॉमन ले लो, प्लस एच स्क्वायर का हो गया कॉमन, या अब यहाँ पे क्या बचेगा, वन बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, चार बचेगा, और प्लस आगे पक्का नौ बचेगा। अब प्लस आगे चेक करो भैया, एन प्लस एन माइनस, सॉरी एन माइनस वन का स्क्वायर बच रहा है कि नहीं बच रहा, देखो ना यहाँ बच रहा है एन माइनस वन का स्क्वायर, एच स्क्वायर बाहर कॉमन है, बस हो गया। अब इतना हो गया कि सवाल बन के तैयार हो जाएगा, इतना में किसी को दिक्कत तो बोलिए, इतना में किसी को दिक्कत तो बोलिए। देखिए अब इसमें एच स्क्वायर गायब, इसमें भी एच स्क्वायर गायब, इसमें भी एच स्क्वायर गायब, ऊपर देखो कुछ बचा हुआ नहीं ना है, कोई बचल है क्या, कोई ना बचल, सबका काम क्रिया हमने कर दिया। इतना में किसी को दिक्कत तो जल्दी बोलिए, हेलो हेलो, बहुत बहुत सुबह चलाए हैं आप, इतना में किसी को दिक्कत है तो बोलिए, आ नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बुआ बस सवाल को समझने का प्रयास करो, ए एक दो सवाल काफ़ी है भाई मेरे, एक दो सवाल काफ़ी है, हम दो ही सवाल पे आज चर्चे करेंगे और पूरा सवाल ख़त्म हो जाएगा उससे आपका, बस समझने का प्रयास करो। अब देखो भैया, अब देखो क्या करते हैं, लिमिट एच टेंडिंग जीरो एच, देखो यहाँ पर आपके पास क्या है,
ए स्क्वायर एन है रहने दो प्लस एन है रहने दो प्लस दू ए एच है रहने दो। फिर अब इसको देखो इसको देखो इसको देखो, अभी अभी कुछ चीज आपको बताया गया था, वन प्लस दू प्लस तीन कहाँ तक गया, एन माइनस वन तक गया। बउआ हो एन के जगह पर एन माइनस वन होगा, फार्मूला यह यूज करेंगे, मैंने बता दिया एन तक रहेगा तो यह यूज करेंगे, एन माइनस वन रहेगा यह यूज करेंगे, क्योंकि मैंने बोला अभी आपको समझना है चीज को। तो क्या लिखेंगे इस पूरे के जगह पर बउआ, एन इंटू एन माइनस वन अपॉन दू, इतना ईजी है। प्लस प्लस एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसके जगह पर देखो इसको मान लो वन का स्क्वायर है, दू का स्क्वायर है, तीन का स्क्वायर है, एन माइनस वन का स्क्वायर है। अब देखो वह ऐसा नजर आ रहा होगा, ऐसा नजर आ रहा होगा, और एन के जगह पर क्या है, एन माइनस वन है। फॉर्मूला यह यूज करेंगे बउआ, यह वाला क्या लिखेंगे बताइए, एच स्क्वायर क्या लिखेंगे इसके जगह पर, एन इंटू एन माइनस वन इंटू दू एन माइनस वन अपॉन अपॉन बाई सी एक्स, या लिखेंगे। देखो पूरा का काम मैंने कर दिया, इस पूरा का काम मैंने कर दिया बउआ हो, इस पूरा का काम हो चुका है। अब एंसर के कगार पे हैं, हम एच से गुना करा देते हैं भाई मेरे, एच से गुना करा दो। देखो यहाँ एच से हम लोग गुना करा देते हैं, एच से क्या हो जाएगा सो देखो, लिमिट एच टेंडिंग जीरो, इस जगह पे एच से गुना कराते ही आपको मिलेगा ए स्क्वायर और एन एच मिलेगा ना, एन में एच से गुना प्लस, फिर इस एन में एच से, सब में कराना है, बात को ध्यान देना, सब में कराएंगे, यहाँ पे मिलेगा एन एच, सही है। फिर प्लस दो से दो कैंसिल, यहाँ पर मिलेगा आपको ए एच स्क्वायर, सही है बउआ, यहाँ पे मिलेगा आपका एन इंटू एन माइनस वन, सही है ना। फिर प्लस यहाँ मिलेगा एच क्यू, एच से गुणा कराए हैं, और क्या मिलेगा, एन इंटू एन माइनस वन इंटू दू एन माइनस वन बाई सिक्स। क्या किसी को दिक्कत, किसी को हर्ज इस जगह पर यहाँ तक में, आशा करते हैं नहीं होना चाहिए दिक्कत बउआ हो। एगो काम और करके एंसर ख़त्म कर दीजिए, सही ना। देखा यहाँ पर अब सबका मान रखना चालू कीजिए, आप जीरो एक जगह पर खोजिए, मान कितना है, एक जगह पर जीरो है, एक जगह पर जीरो, जीरो का स्क्वायर गुना एनएच के जगह पर खोजो, एनएच के जगह पर दो है तो दो लिख दो, फिर प्लस, फिर एनएच के जगह पर दो है भाई मेरे, बस चलते बढ़िए चलते बढ़िए। अब इस जगह पे हो रही होगी परेशानी, भाई परेशान मत हो, यहाँ देखो एक के जगह पर तो जीरो होगा ही होगा, जब एक के जगह पर जीरो होगा ये पूरा भैया जीरो हो जाएंगे, इसलिए इसको सत्यानाश कर दो। क्या एक जगह पर जीरो डालोगे ना, एक जगह पर जीरो रखोगे ना, यह भैया पूरा का पूरा सत्यानाश हो गया। फिर प्लस इस जगह पे फिर से हो रही है परेशानी, मज़ा तब आता जब इसके जगह पर क्या होता, सिर्फ और सिर्फ एन एच होता, मज़ा आता क्या। तो अभी भी आपको हम मज़ा लगा देते हैं, इस एच क्यू एन में से क्या करो, एच स्क्वायर को बाहर निकाल लो, समझना यहीं पे तो समझना है, एच स्क्वायर को बाहर निकाल लो, और एक एच से इसमें गुना करा दो, और एक एच से इसमें गुना करा दो, मजा आएगा। प्रत्येक सवाल में यही काम करना है, प्रत्येक सवाल में यही काम करना है बउआ, एक्स क्यू आया कि बस एक एच को छोड़ दो इनके साथ, एक एच इसमें गुना करा दो, एक एच उसमें गुना करा दो, बउआ हो समझिएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, एन एच बचेगा, ऊपर वाला बचेगा एन एच बचेगा, एन एच के जगह पे है कितना, एन एच के जगह दू लिखे है ना, चलो एन एच के जगह पे है कितना, तो दू, फिर से बढ़ाके तो चालू करो। अब इसके जगह पे बता एच से गुना कराना तो एन एच हो जाएगा बउआ हो दू, और इसके जगह पे माइनस एच होगा तो माइनस एच का मान ऊपर से ऊपर एच का मान देखो यहाँ पे एच का मान जीरो है तो जीरो देंगे, फिर बढ़ाके तो चालू दू दू एन एच होगा, एच से गुना कराना है, बात को समझना, दू एन एच, तो इस एन एच के जगह पर क्या रखोगे दू, तो दू दूना क्या हो जाएगा चार, माइनस एच माइनस वन मत देना, एच से गुना दोनों में होगा ना, तो एच एच का मान जीरो अपॉन बाई सिक्स। अब देखो भाई आंसर आ रहा है आपका, आंसर आपका आ रहा है, इधर दिखाई दे रहा है ना, हाँ दे रहा है, यह जीरो हो गया, यहाँ से आपके पास दो बचेगा, दो प्लस यहाँ से दो बचने वाला है, इसको सॉल्व करो, यहाँ से दो, यहाँ से दो, यहाँ से चार, दो दूना चार, चार चार में चार से गुना करेंगे तो बचेगा आपको क्या चीज़, सोलह, सोलह बाई कितना भाई बचेगा छः,
16 बाई 6, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा यह, या 2 से 8, 2 से 3, यानी कि 2 प्लस 8 बाई 3। इसको अब सॉल्व करो भाई, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करें 6 कितना हो जाएगा, सॉल्व करने आता है, इसके नीचे 1 है तो हो जाएगा 14 बाई 3, और आंसर आ गया 14 बाई 3, जो कि आपका आंसर आ चुका है। देखो 14 बाई 3 आपका आंसर आ चुका है, क्या आया आंसर, क्या 14 बाई 3, हाँ एकदम सही 14 बाई 3 आंसर आया क्या, यस 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 14 बाई 3 आंसर आया क्या। दिमाग लगाना होता है, एक सवाल और लेंगे उसके बाद गर्दा छोड़ा देना उसके बाद, क्योंकि तो इससे देखो देखो मेरा मानना है कि आप जितने आप हार्ड सवाल लेते हैं, जितने भारी सवाल लेते हैं, आपको उससे आसान वाला सवाल से आसान लगने लगता है, इसलिए हम इससे थोड़ा सा हेवी सवाल लेते हैं। हाँ थोड़ा सा हेल्प आपको करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। चलिए इससे थोड़ा सा हम लोग अब क्या लेते हैं, थोड़ा सा अलग सवाल लेते हैं, थोड़ा सा अलग लेंगे भाई, चिंता करने की बात नहीं है, आपका सब सवाल बनेगा, बस शर्ते आपको देना होगा ध्यान, आपको ध्यान देना होगा तब जा करके सवाल बनेगा, ऐसे नहीं सवाल बनता, सही है। चलिए हम लोग अगला सवाल की ओर चलते हैं, ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, इसको आप लोग एक बार घर पे फिर से बनाएंगे सवाल को, सवाल भारी नहीं है, बस प्रोसेस भारी है, नहीं प्रोसेस को समझो भाई। चलो एक सवाल और लेते हैं आपके लिए हम लोग, एक सवाल और ले लेते हैं आपके लिए हम लोग, एक सवाल और आपके लिए लेते हैं, सही ना, वह क्या है सो देखो, इंटीग्रेशन 1 से 3, 1 से 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, देखो यहाँ सवाल आ गया, थोड़ा सा उससे अलग सवाल है, क्या उससे अलग सवाल है, थोड़ा सा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स, सवाल को समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा तेज बनाने का प्रयास करेंगे हम लोग, पहले ही बोले हैं थोड़ा सा इसमें आपको हेल्प चाहिए हमको, क्या क्या करेंगे सो बता, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, एल एच निकालेंगे, समझो यहाँ पर, जहाँ नहीं समझ में आना तुरंत बोलना सर, रुकिए निकल गया, फंक्शन लिखेंगे, अब किसका किसका मान निकालना आपको पता है, एफ ए निकालेंगे, जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ ए रखेंगे, मतलब किसका हो, ए स्क्वायर प्लस ए लिखेंगे, सही है, फिर उसके बाद क्या निकालेंगे भाई मेरे, उसके बाद क्या निकालेंगे, एफ ए प्लस एच निकालेंगे, जहाँ जहाँ एक्स नज़र आएगा वहाँ वहाँ ए प्लस एच रखेंगे, एक्स नज़र आएगा ए प्लस एच रखेगा, आँख से नज़र आया होल स्क्वायर प्लस फिर से नज़र आया तो ए प्लस एच लिखेगा, नहीं लिखेगा गलत होगा, क्योंकि यह एक्स का वैल्यू है वो, वाह। चलिए अगला मान क्या निकालना है, एफ ए प्लस 2h निकालना है, और कहाँ कहाँ रखना है, जहाँ जहाँ x आँख से दिखाई देगा, क्या लिखेंगे, a प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस, फिर x ना आया तो x a प्लस 2h, बस। अब क्या करना है बउआ, आपको ध्यान होना चाहिए किसका मान निकालना है, एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच का, सही है, कैसे निकलेगा, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ इतना चीज, यानी कि x नज़र आ गया है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर, अब प्लस कितना, तो प्लस x फिर से यही चीज, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, इतना में किसी को दिक्कत तो बोलिए,
इतना में किसी को यदि दिक्कत है तो बोलेंगे आप लोग। इतना में किसी को दिक्कत है क्या? इतना में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। नहीं, इतना मान निकालने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस फंक्शन जो एक्स है ना बुआ, एक्स के जगह पर यह सब रखना है आपको। बस आँख से एक्स नज़र आ गया तुरंत लिख दो उतना। बस जहाँ एक्स नज़र आ गया उतना लिख ही दो। सिंपल सा लॉजिक जानते हैं, सिंपल सा लॉजिक है यह। जहाँ एक्स नज़र आ जाए वहाँ इतना रख दो। चलिए अब क्या करोगे, अगला काम कि सवाल को लिख दो, लिमिट एच टेंडिंग जीरो और एच, और उसके बाद आपके पास सवाल लिखा गया है इंटीग्रेशन एक से तीन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और कितना वी एक्स बराबर। फॉर्मूला क्या जानते हैं बताइए? तो आप जानते हैं लिमिट एच टेंडिंग जीरो और कितना एच, और यहाँ पे क्या जानते हैं आप एफ ए जानते हैं, फिर प्लस एफ फार्मूला लिख रहे हैं बुआ, बुलाइएगा मत, सही ना। बस फार्मूला लिख रहे हैं, आप लोग होशियार हो जाइएगा, बस बशर्ते कुछ ध्यान देना होगा ना हो, लेकिन आप लोग तो ध्यान देवे नहीं करते हैं, खाली रहते हैं जल्दी के चक्कर में जल्दी से जल्दी सवाल बन जाए, जल्दी से जल्दी सर जी भागे कि हम जाके सोना चालू कर दे रहे। सोना नहीं है कि इतना तो करेंगे ही करेंगे। क्या फॉर्मूला लिख दिए, अब सबका मान रखते हैं। चलो थोड़ा सा इधर से लिखते हैं, क्या लिखेंगे बुआ बताइए? तो लिमिट एच टेंडिंग जीरो और आपके पास है एच, अब इसका मान रखो। एफ ए का मान अभी यहाँ निकाले होगे, कितना निकाले हो? एक्स स्क्वायर प्लस ए निकाले हो, फिर प्लस इसका मान कितना निकाले हो सो देखो, तो यही निकाले हो, यानी कि निकाले होगे ए प्लस एच का होल स्क्वायर और प्लस होगा कितना ए प्लस एच, यही निकला होगा फिर प्लस इसका मान क्या निकला सो चेक करो, तो ए प्लस दू एच का होल स्क्वायर निकला होगा प्लस ए प्लस दू एच निकला होगा प्लस। सवाल बनाने से दिमाग पर ही लिखा जाता है, और हम कहते हैं 2 से 3 मिनट सवाल बहुत हो गया, 2 से 3 मिनट से ज़्यादा सवाल लगेगा ही नहीं बनाने में। हाँ बोले तो पहला बार आपको समझना होगा, बनाना होगा, इसका वैल्यू कुछ ना कुछ निकाले होंगे, आप लोग चेक कीजिए। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच का होल स्क्वायर निकाले होंगे और प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच निकाले होंगे। क्या इतना ही निकाले हैं? इतना में किसी को दिक्कत है क्या? अब कोई बच्चा अभी जुड़ता है, कोई बच्चा बाद में जुड़ता है, ऐसे थोड़ी समझ में आने वाला है हो आप लोग को, ऐसे समझ में आएगा? कभी नहीं समझ में आएगा, बात को ध्यान रखिए, ऐसे समझ में नहीं आएगा भाई मेरे, ऐसे समझ में नहीं आएगा चीज, फिर नहीं समझ पाइएगा आप लोग। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अभी बताए थे कि इसको क्या करेंगे, बस a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है उसको खोलने का प्रयास करेंगे। जिसको नहीं खोलने आ रहा है फिर से ध्यान दीजिए कैसे खोलते हैं उस पर विचार करो। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिमिट एच टेंडिंग जीरो और एच। अरे हम सवाल बनाते रहते हैं घर पे बैठिए, क्या हम सही कैसे बनाते हैं सवाल को बैठ करके क्या? अरे हम प्रोसेस जानते हैं, हम तरीका जानते हैं, हम स्टेप जानते हैं कि ऐसे चलना है। हमारे गुरुजी भी यही बताएं कि देखो कभी भी भुलभुलाना मत, और आप जो है जिस सवाल को बनाते चल रहे हैं बस आप अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाते चलिए। हाँ आपको बार बार कहा जा रहा है गलत मत कीजिएगा, बस गलत मत करना है, जो आपके पास सही लग रहा है उसको कीजिए, उसको करने में किसी प्रकार का हर्ज नहीं है आपका भाई, बस सीधा चलते रहिए ना, जो कहा जा रहा है कीजिए, अपने आप आंसर आएगा भाई। अब देखो चलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला खोलते हैं। देखो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए फिर प्लस, जब इसको खोलेंगे तो क्या होगा, अभी खोले हुए थे ए स्क्वायर प्लस दू ए एच प्लस बी स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर होगा, फिर प्लस आपके पास यह ए प्लस एच पहले से है, फिर प्लस इसको खोलो क्या हो जाएगा,
ए स्क्वायर प्लस फोर ए एच प्लस बी स्क्वायर मतलब कि फोर एच स्क्वायर। हम बारीकी से बनाओ ना दिमाग, मैथ बना रहे हो, मैथ से खेला जाता है, झेला थोड़ी जाता है भाइयों, मैथ से खेला जाता है, झेला मत जाता है। फिर प्लस इस आपके पास ए प्लस दू एच भी बचा हुआ है, फिर प्लस डॉट डॉट, फिर प्लस इसको खोलना बाकी है, इसको खोलो, अभी अभी इसको भी खोले हुए थे हम तो बिल्ली के गायबे हो गए। इसको खोलो क्या हो जाएगा भाई बताइए, ए स्क्वायर प्लस दू ए बी प्लस दू ए बी प्लस दू ए बी, अभी दू ए बी पूरा नहीं किए हैं, दू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर इंटू एन माइनस वन का स्क्वायर, और प्लस प्लस आपके पास यह पहले से है ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। देखो यहाँ पर कितना आसान से खोल लिए, कोई दिक्कत है इसमें, हो कोई दिक्कत है क्या, कितना आसान से खोल लिए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, नहीं दिक्कत होना चाहिए, दिक्कत एकदम नहीं होना चाहिए, समझो समझो समझो, आ जाइए यहाँ गर्दा छुड़ाने, आइए आइए इसको गर्दा उड़ाते हैं। अब देखो अब अभी अभी बोले जो एक जात वाला होगा उसको एक जगह करो, चलो फिर से इसको लाल से रंगना चालू करते हैं जो जो जात वाला सब। देखो ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर और कहीं है वो ए स्क्वायर, कई बार आया होगा, एन बार आया होगा, क्या लिखेंगे बउआ, तो आप कहिएगा सर जी ए स्क्वायर लिख दूँ और एन बार वाला यह एन से गुना कर दूँ, और लाल से लिखा गया सही, तो क्या लिखेंगे हम लोग ए स्क्वायर और क्या लिखेंगे एन लिखेंगे, सही ना, क्योंकि एन बार आया है इसलिए, सही है। 38/3 हाँ एम के जी आप अपना थोड़ा सा पूरा नाम बताने का प्रयास करेंगे, एम के जी जो भी हैं 38/3 आपका आंसर एकदम सही है मेघा, चलिए बहुत अच्छे आपका आंसर सही आ गया है, ऐसे ही आगे आप बढ़ते रहिए, ऐसे ही आप आगे बढ़े आगे चले। चलो देखो आ जाओ यहाँ ए स्क्वायर एन बार आया था, ए स्क्वायर गुना एन, अब देखिए अब फिर से हम लाल से घेरते हैं ए वाला को, कितना कितना बारीकी से बता रहे हैं हम लोग, इतना बारीकी से तो खैर हमको भी नहीं बताने वाला मिला, हमको बताने वाला मिल रहा था हम लोग आपके सामने नहीं रहते। चलिए ये ए जो है आपका ए, ए को अब देखो अब ए ए फिर और कहीं है ए इस ससुरा फिर वो ए यूँ है ए ए ए आते रह गया, कई बार आया होगा एन बार, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे बउआ बताइए, तो प्लस ए आया कई बार आया था एन बार आया, बस सिंपल सा लॉजिक है भैया, चलो यह खत्म हो गया। अब दू एच आ गया, ओ दू एच, ओ दू एच, दू ए एच और खोजो चार एच, हाँ 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 हाँ, फिर यहाँ पे दू एच आ गया, ठीक आ गया वहाँ पे, अब क्या करो तो दू एच का क्या ले लो कॉमन ले लो, प्लस दू ए एच का क्या ले लो कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ पर वन बचेगा, फिर प्लस क्या बचेगा दू बचेगा, फाइनली अंदर इसके बाद तीन बचने वाला है, प्लस ऐसे ऐसे चलता रहेगा और दू एच निकल चुका है तो आपके पास क्या बचेगा भाई एन माइनस वन ही बचेगा, चिंता मत कीजिए ना, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए आ जाइए आगे आगे आ जाइए, और कुछ बचा हुआ है क्या, नहीं बचा हुआ, आगे बढ़ जाए ना, बचा ले पूछो, चलो इसको आगे बढ़ जाते हैं, चलो इसको ऐसे घेर देते हैं, इसको आगे बढ़ जाते हैं, अब इसका मान रखते हैं क्या, अब इस सभी का हम लोग मान रखना चालू करते हैं, एच से गुना करा के मान रख देते हैं क्या, एच से गुना करा दे, अब एच से गुना करा देते हैं क्या, सब से हो गया लगता है, सब बनाने चला गया सब बनाने चला गया, एच से गुना करा दे क्या, हाँ अरे अपने आंसर ले ले 38/3 तो हो गया, एच से गुना मत कराइए अभी, एच स्क्वायर का काम बाकी है बउआ, एच स्क्वायर का काम बाकी है, हम ऐसे ये बोल दिया था अभी आपको, सही ना, देखो यहाँ पर एच स्क्वायर बाकी है, एच स्क्वायर वाला काम कहाँ किए हैं, इसका काम बाकी है ना, यही हुलबुल्ली में हम लोग यही काम करते हैं क्या,
एच स्क्वायर का काम बाकी है, एच स्क्वायर एच स्क्वायर एच स्क्वायर। देखो यहाँ पर इस सब का काम जो बाकी रह गया ना हो, इस सब का काम आपका बाकी रह चुका है अभी एच स्क्वायर वाला सब, तो एच स्क्वायर काम करेंगे। और हमारे विचार से एच वाला भी बाकी रह चुका है, आपका नेट प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ साफ दिख रहा है, मेरे यहाँ पर पूरा एकदम साफ दिख रहा है, सही साफ दिख रहा है बोला। एच स्क्वायर का काम बाकी है, एच स्क्वायर का काम करो, यानी प्लस एच स्क्वायर का कॉमन ले लो तो आपके पास बचेगा यहाँ पर वन, वन बचेगा, वन प्लस, फिर आगे जब बढ़ोगे यहाँ पे बचेगा आपके पास चार, चार बचेगा चार, फिर आगे बढ़ोगे तो नौ बचेगा, फिर प्लस, ऐसे ही करते करते जाओगे तो वहाँ बच रहा है आपका एन माइनस वन का होल स्क्वायर बच रहा है। अभी भी देखिए क्या सब पे लाल रंग लग चुका है क्या, तो ना यहाँ पे एच बाकी है अभी, फिर एच बाकी है अभी, फिर एच बाकी है अभी, भाई देखना है, देखो ना सही से देखोगे आपका आंसर आएगा, आएगा भाई आएगा आएगा, आपको फूल बुलाने की जरूरत नहीं है। तो एच का बाकी है अभी, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस प्लस एच का कॉमन लेंगे, एच का कॉमन लेते हैं जगह से वन बचेगा, फिर प्लस आगे आओ आगे आओ आगे दो बचेगा, फिर आगे आओ कहीं ना कहीं तीन बचेगा, फिर प्लस ऐसे करते करते यहाँ आओ तो एन माइनस वन बच गया। देखो बस हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम जानते हैं प्रोसेस, प्रोसेस से आगे चल रहे हैं, एकदम बारीकी से आगे चल रहे हैं, हम हुलबुला नहीं रहे हैं, मेरे अंदर भय नहीं है कि सवाल गलत बनाएंगे, गलत बनेगा तो बनेगा, मेरा क्या जाता है इसमें, गलत बनेगा तो बनेगा, मेरा क्या जाता है भाई इसमें। चलो ए स्क्वायर एन सही है, फिर प्लस ए एन, ध्यान से ध्यान से, प्लस दू ए एच, इसका फार्मूला अभी बताए हैं, अभी नहीं बताएंगे क्या, एन इंटू एन माइनस वन बाई दो, फिर प्लस एच स्क्वायर एच स्क्वायर, इसका फार्मूला अभी अभी बताए हैं, अभी अभी बताए हैं, एन इंटू एन माइनस वन दो माइनस वन बाई छ, फिर प्लस एच, इसका फार्मूला अभी अभी बताए हैं बउआ, अभी अभी बताए हैं, एन माइनस वन बाई दो, अभी अभी बताए हैं, अभी अभी जिसका बताएं हम नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको सोचना है, आपको समझना है, क्या इतना होगा, क्या इतना होगा, देखिए इसको क्या इतना आप इसको लिख सकते हैं, इसको लिखें, इसको लिखें, इसको लिखें, इसका फार्मूला यूज किए हैं, एच स्क्वायर लिखे हैं, इसका फार्मूला यूज किए हैं, सही ना, फिर एच को लिखे हैं, इसका फार्मूला यूज कर दिए हैं, देखो कितना आसान बन गया। अब क्या करोगे, एच से गुना, एच से गुना बउआ, एच से गुना, चलो गुना कराते हैं, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर लिमिट लिख देते हैं, क्या लिमिट, एच टेंडिंग जीरो, इस जगह पे होगा क्या चीज भाई मेरे, ए स्क्वायर एन एच, प्लस यहाँ पे हो जाएगा ए एन एच, बस एच से गुना, सम में कराना, सम में कराना, दो से दो घर जाएगा बउआ, प्लस ए एच स्क्वायर होगा, और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, एन एन टू एन माइनस वन बचेगा, सही ना बउआ, आगे आ जाओ, प्लस यहाँ पर हो जाएगा एच क्यू, एच क्यू एन एन टू एन माइनस वन, एन माइनस वन इंटू दू एन माइनस वन अपॉन अपॉन सिक्स 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 सिक्स, प्लस एच से गुना, एच से गुना, एच स्क्वायर होगा, एन है एन 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 माइनस वन है बाई दू है, देखो ना कितना आसान बना देते हैं चीज को एकदम, लेकिन बारीकी से बनाते जाओ, बारीकी से बनाना पड़ता है, एकदम ध्यान से बनाते जाओ भाई, एकदम ध्यान से बनाना होता है सवाल को। चलो आगे देखो, अब सब का मान रखो, देखना यहाँ पर ए का मान कितना रखना है, ए का मान वन रखना है, तो वन का स्क्वायर वन गुना एन एच का मान कितना रखना है, एन एच का मान दो रखना है, एन एच का मान दो रखना है तो दो, फिर प्लस ए का मान कितना रखना है तो वन गुना एन एच का मान कितना रखना है तो दो, फिर प्लस, अब देखो यहाँ पे परेशानी 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 बुआ, परेशानी मत होइए, ए का मान वन गुना, बस एगो एच को इसमें से छोड़ दो, एगो एच को छोड़ दो, क्या बचेगा, एन एच बचेगा, एन एच का मान दो, और एगो जो एच बचा हुआ है इसमें गुना करा दो एच से, इसमें एच से गुना करा दो, बताइए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन एच, एन एच मतलब कितना दो माइनस, यहाँ पे एच, एच का मतलब जीरो, एच का मतलब जीरो, सही है, फिर प्लस आगे आ जाइए, यहाँ पे परेशानी परेशानी या परेशानी है कोई बात नहीं है, एगो एच इसको दे दो, एगो एच इसको दे दो, एगो एच इसको दे दो, सब में आएगा, प्रत्येक सवाल में यह कहानी आने वाला है, एगो एच इसको दो, एगो एच इसको दो, और एगो एच इसके पास छोड़ दो, तो एनएच आ गया, एनएच आ गया, यानी कि दो, एनएच का मान दो है ऊपर दो, फिर ब्रैकेट चालू, फिर यहाँ पे एनएच आएगा मतलब कि दो, माइनस यहाँ पे एच आएगा मतलब कि जीरो,
फिर ब्रैकेट चालू, एन एच आएगा, दो एन एच आएगा, दो एन एच आएगा, मतलब चार आएगा, चार माइनस जीरो आएगा, बाई 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 छः आते ही ना। देखो ना कितना इजी इजी बन रहा है, सो नहीं बन रहा है इजी हो, एकदम इजी है, एकदम इजी है, हलवा है। प्लस परेशानी, परेशानी एगो एच को दे दो उधर, एगो एच को इसको दे दो, जहाँ परेशानी के बस एगो एच को दे दो उधर, एन एच बच गया, एन एच का मतलब दो दो दो, फिर यहाँ पर एन एच दो माइनस एच मतलब जीरो बाई दो, लोया कितना ईजी बन गया, कितना ईजी बन गया, सो देखिए। चलो इसको थोड़ा सा इधर साफ कर देते हैं, इधर इसको बनाएंगे, है ना, इतना दूर में बन जाएगा आपका। चलो सॉल्व सॉल्व करो इसको, या क्या हो जाएगा आपका, दो हो जाएगा ना, दो फिर प्लस, इसके बगल में क्या हो जाएगा आपका, फिर से दो आ जाएगा, दो फिर प्लस, और चेक करो यहाँ पे, दो और दो दो चार, दो में दो से गुना करेंगे तो चार, फिर प्लस यहाँ सॉल्व करो, यहाँ से चार बचेगा, यहाँ से दो बचेगा, यहाँ से दो, दो मतलब दो दूना चार सोलह, सोलह बाई सोलह बाई छः, सोलह बाई छः कैंसिल करेंगे तो आठ बाई कितना तीन, यानी कि यह बच गया आपका आठ बाई तीन, यह बचेगा आठ बाई तीन, हाँ प्लस यहाँ से क्या होगा, दो गुने दो मतलब दो गुने दो मतलब चार, और चार में दो से भाग दे दो तो दो प्लस का दो, सॉल्व करो इसको, दो दो चार, चार चार आठ दो दस, दस प्लस आठ बाई तीन, सॉल्व करने शायद आपको आता होगा, शायद ही हम बोल रहे हैं, यह नहीं बोले कि आता ही होगा, शायद आपको आता होगा, और अड़तीस बाई तीन आंसर आ गया, अड़तीस बाई तीन आंसर आ गया, एक बच्ची का मेघा कुमारी का अड़तीस बाई तीन आया था, और उसका आंसर एकदम सही है अड़तीस बाई तीन, उसका आंसर एकदम सही है अड़तीस बाई तीन। जो होमवर्क जो मिला था क्या उसको बना लिए हैं, सुबह के क्लास में होमवर्क हम लोग दिए थे, उसको बना लिया आप लोग क्या? नहीं, फ्री फायर किंग, हाँ नहीं बनाना ही चाहिए, बनाने से मिलेगा क्या आपको, क्या एग्जाम में यदि आता है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे क्या, सबसे अच्छा रहेगा मेरा क्या। देखिए होता क्या है कि सर जी का ख़त्म होना चाहिए, बच्चा का ख़त्म हो ना हो, बच्चा का ख़त्म हो नहीं हो, बस मास्टर का ख़त्म होना चाहिए, वही बात है आप लोग का, हम तो अपना लेके चल रहे हैं, अब इतना कोशिश इतना मेहनत आपके लिए किया जाए लेकिन आप लोग पढ़े नहीं तो शर्म की बात है आपके लिए, नहीं मेरे लिए, और क्या बोले आप लोग को। चलिए तो इस पर एक क्लास आपका हो गया, एक क्लास ऑफलाइन भी हुआ और एक क्लास आपका ऑनलाइन भी हुआ, तो दो क्लास सुबह भी हम लोग दो प्रश्न सुबह भी देखे और दो प्रश्न इसमें भी देखे, चार प्रश्न काफ़ी है, और आप इस पर अपना प्रैक्टिस के लिए आपके पास बुक होगा वहाँ से देख लेंगे, सही है, और बुक से देख लेंगे। आपके पास एक क्लास कल तक हम छोड़ देते हैं कि आप पूरे इंटीग्रेशन का जो है वो आप लोग तैयारी करके कर लेंगे, सही है, पूरे इंटीग्रेशन का तैयारी आप लोग कर लेंगे। उसके बाद आपको हम यह एक चीज़ एक बता दें, क्या बताने वाले थे भूल गए, बताने वाले यह थे आप लोग को कि आपका जो है हम लोग आप लोग के लिए हम लोग जो है एक क्लास लेके आ रहे हैं, एक क्लास लेके आ रहे हैं हम लोग केमिस्ट्री क्रैश कोर्स, सही है, जो कि 17-10 से चालू होगा, ठीक है, 17 तारीख से चालू होगा, तो आप लोग चाहें तो इस बैच में शामिल आप हो सकते हैं। पहले तो हम लोग यह देख लेंगे जो बच्चे अभी क्लास कर रहे हैं, जो बच्चे अभी क्लास कर रहे हैं उनका क्लास जो है हम लोग पूरे सिलेबस को 15 तक, कहाँ गया जा 15, हाँ यहाँ है, इस 15 तक हम लोग आपके सिलेबस को कवर कर लेते हैं, 15-10-2022 तक सिलेबस आपका कवर कर लिया जाएगा, जो भी सर आपका क्लास करा रहे हैं उनके सर के द्वारा कवर कर लिया जाएगा, उसके बाद हम लोग फिर से क्लास आपका चालू करेंगे 15 तक। उसके बाद केमिस्ट्री क्रैश कोर्स आपका 17 से चालू हो जाएगा, इसका टाइम भी आपको हम बता दें कि आपका पूरे क्रैश कोर्स की बात करें उसका टाइम 2 बजे से
दो बजे से अभी अभी बता रहे अभी तक जब तक तत्काल है जब तक 2:30 तक क्लास चलेगी। क्लास की यह टाइमिंग है 2 बजे से लेकर के बनाए हैं 11 क्वेश्चन। अच्छी बात है, काफ़ी है बुआ। हाँ, तो क्रैश कोर्स का जो टाइमिंग होगा 2:00 से 5:30 तक आपका क्लास जो है चलने वाला है। ठीक है, इसमें सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है, आपको हम आगे बता रहे हैं क्या क्या होने वाला है। सो तो यह है केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स जो कि आपको 17 से चालू हो जाना है। सही है, लेकिन उससे पहले हम लोग बता रहे हैं फिर से कि उससे पहले आपका हम लोग जो जितने भी सिलेबस बचा हुआ है उसको हम लोग 15 तक पहले कवर कर लेते हैं, चाहे हमको एक्स्ट्रा समय देना पड़े या जैसे देना पड़े 15 तक हमको कवर इसको कर ही लेना है, उसके बाद आपका यह क्रैश कोर्स चालू होगा। सही है, तो यदि आप लोग इस क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। सही है, इस क्रैश कोर्स के अंतर्गत आप एडमिशन ले सकते हैं, आपके प्रत्येक चैप्टर का जो है आपका अच्छे से रिवीजन और पूरे बारीकी से स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बस ऊपर ऊपर ही हम लोग क्या करेंगे भाग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सही है, ऐसा कुछ अभी प्लान मेरे अंदर है नहीं, आपको पूरे बारीकी से पढ़ाया जाएगा। सही है, यह था केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स। सही है, याद रखेंगे यह केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स था आपका। और इसी में हम आपको आपके लिए फिर से लेकर के आए हैं फिजिक्स का भी क्रैश कोर्स, फिजिक्स का भी क्रैश कोर्स लेके आए हैं। ये भी आपका जो है 17-10 से ही चालू होगा, 17-10-2022 से ही चालू होने वाला है, इस बात को ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, इसमें भी जो आपका बचा हुआ चीज़ है उसको हम लोग फिर से कहा जा रहा है कि 15-10-2022 तक इसका आपका कवर कर लिया जाएगा, जो भी बचा हुआ चीज़ है बस। यानी कि आप कह सकते हैं 15 तक आपका जो है, जो भी बच्चे अभी मेरे यहाँ पे 12th पढ़ रहे हैं उनका सिलेबस जो है ख़त्म, 15 तक ही ख़त्म कर देना है। हाँ, एक दो दिन बच जाएगा तो उसको हम एक्स्ट्रा टाइम में बुला करके कवर कर लेंगे। जिसका एडमिशन इसमें होगा वह इसमें आएगा, जिसका एडमिशन नहीं होगा वह हम जिस दिन आपके बचे हुए सिलेबस को बुलाएंगे उस दिन आएंगे, बचे हुए सिलेबस जिस दिन भी हो उस दिन आप लोग आएंगे। इसमें जिसका एडमिशन रहेगा उसी को आया जाएगा, उसके बाद इसमें नहीं आया जाएगा। और बस एक लिखा हुआ है नीचे, परीक्षा के अंतिम समय में निर्णायक तैयारी कराई जाएगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, अभी मैथ के बारे में हम लोग किसी प्रकार का डिसीजन न लिए हैं कि मैथ का क्रैश कोर्स होगा या फिर जैसे भी हो, इस पे हम किसी प्रकार का अभी डिसीजन न लिए हैं। मैथ भी लगभग हम आपको बता दें कि 15 तक तो मैथ भी आपको ख़त्म हमको कर ही लेना है, 15-10 काफ़ी है, 15-10 तक आपका मैथ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब कुछ बचा हुआ है नहीं, थोड़ा बहुत बचा हुआ है जिसको हम लोग 15-10 तक ख़त्म कर लेंगे। तो इस पर आप लोग ध्यान दे देंगे, अर्थात आप कह सकते हैं 15 तक आपका जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाकर आपका जो है पूरा सिलेबस को ख़त्म कर लिया जाएगा। सही है, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद यदि कुछ बच जाता है, ऐसा नहीं कि आपको 15 तक ख़त्म हो ही गया, जैसे मैथ तो हो जाएगा, लगभग केमिस्ट्री भी आपका जो है थोड़ा सा मेहनत कर दिया जाएगा, वह भी हो जाएगा। हाँ, फिजिक्स आपका बच सकता है थोड़ा बहुत, फिजिक्स आपका जो है वह बच सकता है थोड़ा बहुत, तो इसका हम लोग क्लास जो है रविवार बुला करके आपका जो है कवर करा देंगे। सही है, हाँ थोड़ा बहुत बच जाएगा और उससे ज़्यादा नहीं बचने वाला है। चलिए खैर, इसमें हम लोग आपका बताना था हमको बता दिए हैं, इसको आपको अपना ध्यान दे देंगे, आज के लिए रहने देते हैं। और फिर मिलते हैं अगले क्लास में, वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा।